और चले अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि अजय माकन यहां पर मिलिंद देवड़ा पर भड़क गए हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते नजर आए थे मिलिंद देवड़ा, जिसके बाद में अब अजय माकन भड़क चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ब्रदर पहले कांग्रेस छोड़ दो। बड़ी खबर से आपको फिलहाल रूबरू करवा रहे हैं, यानी कि कांग्रेस में अब दो फाड़ दिखना शुरू हो चुकी है। अजय माकन ने बड़ा बयान यहां पर दे दिया है, उनके बयान से उनका गुस्सा साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। दरअसल मिलिंद देवड़ा ने केजरीवाल की तारीफ की थी, उन्होंने 5 साल में दिल्ली के राजस्व को फायदे में रखा है और कहीं ना कहीं उनकी तारीफ करना मिलिंद देवड़ा को भारी पड़ गया है। अजय माकन उन पर हमलावर हो चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ब्रदर पहले पार्टी छोड़ दो। हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार हमसे जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, यहां पर कह सकते हैं कांग्रेस में आंतरिक कलह फिर से शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, और जिस तरीके से पूरा विवाद है वो ट्वीट से जुड़ा हुआ है। मिलिंद देवड़ा ने पहले ट्वीट किया और केजरीवाल सरकार की तारीफ की, जिसमें मिलिंद देवड़ा ने यहाँ पर ब्यौरा किया था कि जो खास तौर से सीखने की बात है यहाँ पर वो ये है कि जो सरकार बनी है दिल्ली में, केजरीवाल सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान दिल्ली में रेवेन्यू को डबल कर दिया है, जो बढ़कर 60,000 करोड़ रुपए पहुँच गया है। अब दिल्ली भारत का आर्थिक रूप से सबसे मजबूत राज्य बन गया है। ट्वीट किया था मिलिंद देवड़ा ने। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं, लिहाजा जैसे ही ये ट्वीट आया उसके बाद अजय माकन जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व सांसद है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ट्वीट पर मिलिंद देवड़ा के पलटवार किया और इसको टैग करते हुए उन्होंने जवाबी अपना ट्वीट लिखा, जिसमें कहा कि भाई आपको अगर कांग्रेस छोड़ी है तो छोड़ दें, उसके बाद अपने आधे पक्के तथ्यों को ठीक करें। मैं भी ऐसे तथ्य शेयर कर रहा हूं, कम ही लोगों को पता है इसके बारे में। और इसमें उन्होंने ब्यौरा दिया कि साल 1997-98 रेवेन्यू 4,073 करोड़ रुपए था, जबकि साल 2013-14 में रेवेन्यू 37,450 करोड़ रुपए था। तो कांग्रेस सरकार के दौरान 14.87% रेवेन्यू बढ़ा है, ये अपने ट्वीट में अजय माकन ने लिखा। तो यानी सीधे तौर पर काफी बड़ा ये हमला मारा जा रहा है। मिलिंद देवड़ा लगातार जिस तरीके से उनकी नाराजगी की खबरें आई और इस बीच जब तारीफ की खबरें आई केजरीवाल सरकार की और रेवेन्यू बढ़ने की बात की, तो अजय माकन हमलावर हो गए, लिहाजा उन्होंने नए सवाल उठा दिए और उनको पार्टी तक छोड़ने की नसीहत दे दी। तो दिल्ली में जो हार उसके बाद जो घमासान है, कांग्रेस नेताओं की जो बयानबाजी हो रही है, उससे पहले हमने देखा पी चिदम्बरम के ट्वीट को टैग करते हुए शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी उनको तारीफ ना करने की नसीहत दी थी, क्या पार्टी अपना मनोबल तोड़ दे। ये तमाम ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जो दिल्ली में हार के बाद कांग्रेस एक बार फिर शून्य पर आई है, लिहाजा नए नए बयान दिखाई दे रहे हैं और उस पर नाराजगी भी दिल्ली प्रदेश के जुड़े कांग्रेस नेताओं की दिखाई दे रही है। वो अपने ही नेताओं के बयान से नाराज दिखाई दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी से रूबरू करवाने के लिए प्रदीप जी।